अब कंप्लीट हो चुका है रानी रासमणी स्काई वॉक। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग भी जान पाए स्काई वॉक के बारे में। काफी सालों से दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर जाने के लिए जो 400 मीटर नैरो सड़क था उसको यूज किया जाता रहा है। बहुत ही भीड़ के वजह से यहाँ पर जल्दी से जाना लगभग नामुमकिन था। जो श्रद्धालु माता के पूजा के लिए मंदिर में आते थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 2014 में पहली बार वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ने इन परेशानियों को देखते हुए एक स्काई वॉक के बारे में प्रपोजल दिए। 2015 के दिसंबर महीने में काम शुरू हो चुका था। स्टार्टिंग में काफी दिक्कत आए, वहाँ पे जो लोकल दुकानदार थे उन्होंने पहले राजी नहीं हुए। बाद में उनको जब समझाया गया स्काई वॉक के अंदर ही उनके लिए दुकानें लगवाई जाएगी और उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, तब जाके वो लोग मान गए। काफी सारे परेशानियां और दिक्कत का सामना करते हुए आखिर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी पुण्यार्थी यहाँ पे आएंगे, चाहे वो ट्रेन से हो या बस से हो, वो सीधे यहाँ पर उतर के स्काई वॉक के मदद से मंदिर के अंदर तक जा पाएंगे। स्काई वॉक का डिजाइन बहुत ही खास है। ये स्काई वॉक ब्लू एंड व्हाइट के साथ दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्काई वॉक के ऊपर और नीचे जाने के लिए यहाँ पर 12 एक्सकेलेटर, 4 लिफ्ट, पैडल चलने के लिए 8 सीढ़ियों का इंतजाम किया गया है। और सबसे खास बात यही है, यहाँ पर आपको पूजा के सारे सामान भी मिल जाएगा और स्काई वॉक के वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी स्वाभाविक रहेगा। तो भाई लोग, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना और शेयर करना सभी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी जानने का मौका मिले।